अब सो दिल्ली से ना एक टॉयलेट की डिटेलिंग होने के लिए आई थी तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टॉयलेट जो है वो क्या साइज था उन वहाँ पे चैलेंज है वो किस तरीके से आ रहा था फिर जो साइड की जो डिटेलिंग है वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा तो सबसे पहले समस्या था कि मास्टर बेडरूम जो है ना ये इसका जो है पूरी डिटेल ड्राइंग यहाँ पर बननी थी ठीक है अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी, थी, थी कि एक तो यहाँ पर टॉयलेट सीट आ गई ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपका आ गया ठीक है ये आपका शॉवर एरिया आ गया आपका बाटा आ गया उसके बाद यहाँ पर आपका लग्जीरियस पूरा कंप्लीट जो है यहां पर दो यहाँ पर जो है आपके हैंड के आएंगे इसका साइज है इलेवन फिट फोर इंच इंचज का ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूं This is the dressing area. This is the entire dressing area, and this is leading into the washroom. This is the entire washroom. अब देखिए इसमें जो चैलेंज आ रहा था वो ये आ रहा था देखिए फ्रंट की ये जो मार्किंग करी हुई देख रहे हैं ये फ्रंट की विंडो है ठीक है अब यहाँ पर जो आ रही है विंडो अब इसमें देखेंगे विंडो जो है कितनी है ये ठीक है अभी इसमें जो है मैं आपको साइजेस बताता हूँ तो ये विंडो आपने देख ली फ्रंट से अब यहीं पर जो है टॉयलेट सीट आनी थी अब टॉयलेट सीट अगर आएगी तो या तो यहाँ पर जो है विंडो को हम थोड़ा छोटा करें अब क्लाइंट का ये था कि विंडो में उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्योंकि ये फ्रंट एलिवेशन का पार्ट है तो विंडो तो इन्हें इतनी ही बड़ी चाहिए इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं चाहिए और वो सारी जो चीजें हैं उसकी भी जो सेटिंग उनको चाहिए और देखिए ये जो विंडो है विंडो से जो नीचे से जो विंडो का साइज है वो है ट्वेंटी और विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेस आप देख रही है और विंडो के राइट हैंड साइड में जो स्पेस right जो, जो बच रही है ये आपका ट्वेंटी फोर इंच का तो ये डिटेलिंग भी जो है क्लाइंट ने भेजी थी मतलब ये जो स्पेस आ रहा है ये आ रहा था इसमें फोर्टी फोर पॉइंट फाइव इंचिस और ये वाला जो स्पेस था ट्वेंटी फोर इंच का था साइड पे ठीक है अभी क्या है कि देखो अब इसमें क्या है कि अगर हम वॉलंग सीट बनाएंगे तो पीछे जो जो सिस्टन आता है ना वो तो आता है कंचील्ड होकर के अब उसमें क्या कि वो लगभग लग लग 48 एट तक आएगा वो तो ग्राउंड लेवल से 48 एट ऊपर चला जाएगा फिर उसमें विंडो का साइज हो जाएगा छोटा वहाँ पर जो है सीनैरियो ये था कि उनको सिर्फ वन पीस सीट ही जो है वहाँ पर जो है वो लगानी थी जो कि हमने उनको सजेस्ट किया कि वन पीस सीट ही अगर आप लगाइए अगर आपको वहां पर कम नहीं करनी है तो।, तो इसका जो रिवाइज जो लेआउट हमने इनको भेजा था वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ढाई फीट की डोर की एंट्री आ गई सिक्स फीट लंबा बाटटब हो गया जिसकी चौड़ाई है टू फीट एट इंचेस की और इसमें देखिए एक चीज और बताता हूँ देखिए क्या होता है ना कि आपका जो बाट टप आता है ना बाटट तब... अलग अलग कंपनियों की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर आपको बाट टप लगाना है तो पहले से आप डिसाइड कर लीजिए किस ब्रांड का लगाना है तो वहीं की जो इंजीनियर है वो आपको आकर के प्रॉपर पूरा गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ पर पॉइंट छोड़ने हैं ठीक है तो ये पार्ट तो हो गया अलग ठीक है फिर उसके बाद हम बात करते हैं अंदर की तरफ तो देखिए अब इसमें यहाँ पे ये जो है एक ग्लास का यहाँ पर जो है एक पार्टीशन दे दिया है यहां से जो है ओपन ही रखा हुआ फ्रंट से और ये तीन फीट का जो स्पेस यहाँ पर जो है वो छोड़ रखा ताकि इसका जो पानी जो गिरेगा ना वो इधर की साइड में जो है वो ना स्लोप जो है दे दिया जाएगा ठीक तो है दे दिया और जाएगा और फिर हम बात करते हैं और दे दिया जाएगा ठीक है तो वो जो विंडो है यहाँ पर जो है आपकी वन पीस सीट आ जाएगी अभी जब हम इसके सेक्शन को अभी हम बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर जैसे कि मैं मैंने था कि इनको हैंड uh, वॉश के लिए दो यहाँ पर जो इनको चाहिए थे वॉश मिशन जो कि प्रीमियम फील इनको मिले तो so, ये जो पूरा स्पेस है ना एंट्री हैं यहाँ पर जो है ये दो जो है यहाँ पर तो ये जो पूरा स्पेस है ना एंट्री करते हैं यहाँ पर जो है पर, दो जो है यहाँ पर वॉश वॉशन वन और वॉश वॉशन टू ये दो जो है यहाँ पर आ गए ठीक है अब हम चलते हैं इसके सेक्शन की तरफ तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि जी यानी कि इस वाली वॉल को जरा हम जो है देख लेते हैं ठीक तो है तो जी की तरफ चलते हैं तो जी सेक्शन आ गया इधर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स आ गए कि आपके जो जो फॉसेट है वो तीन फिट पे आएंगे फिर यहाँ पे जो डाइवर्टर आएगा वो साढ़े तीन फिट पे आएगा ये तीन फिट सात इंच का स्पेस चौड़ाई होगी एंड फिर बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका जो है शॉवर लगा हुआ है तो ये भी सेंटर में आ गया ठीक है टाइल एस पर सिलेक्शन हो गई परफेक्ट फिर हम बात करते हैं विंडो की तो देखिए यहां पर वन पीस सीट लगा रखी है तो आप देख सकते हैं फिर उसके बाद देखिए विंडो का जो जैसे कि मैं रहा था कि आप देखिए विंडो पहले छब्बीस इंची जो है वहाँ पर उस टाइम पे थी तो अभी जो है ये आ गई अट्ठाईस इंच तो कुछ खास फर्क नहीं आया दो इंच तक ही जो है इनको विंडो को जो है वो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा बाकी विंडो जो है एज इट इज सेम आ जाएगी और इसी केस में अगर ये वॉलंग सीट लगाते ना तो पीछे जो है इनको इस तरीके से जो है चिनाई करवानी पड़ती है यहाँ पे हो जाता ठीक है हालांकि ये ये भी कर सकते थे कि अंदर की साइड में जो है इस तरीके से वॉल दे दें और फ्रंट की साइड जो है विंडो का लुक डिस्टर्ब ना हो इस तरीके से यहाँ पर विंडो दे देते वो भी कर सकते थे तो हालांकि अभी फिलहाल हमने इस तरीके से जो है इनको प्रोविज़न करके दे दिया ठीक है फिर सारी डिटेलिंग आप देख सकते हैं फिर सारी डिटेलिंग आप देख सकते हैं आराम से मिल जाएगी और दोस्तों बाथरूम की डिटेलिंग को बाथरूम के ऊपर ना कम्प्लीट डिटेल्ड एक कोर्स क्रिएट कर रखा है हमने अपनी ऐप पे अगर आप बाथरूम डिज़ाइनिंग को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस कोर्स को जा करके भी चेक कर सकते हैं तो वेल फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो मिरर वगैरह है ये मैं आपको दूसरे सेक्शन में बताता हूँ फिर हम चलते हैं फिर से अगेन इसकी प्लानिंग की तरफ तो हम चलते हैं इसके एच सेक्शन की तरफ तो एच सेक्शन में ये वाला व्यू की तरफ जो हम नज़र मारते हैं और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्ट तरीके से लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की आती है बाथरूम डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइन थीम कलर कॉम्बिनेशन रूल बेडरूम स्पेस प्लानिंग बाथरूम स्पेस प्लानिंग बजट मेकिंग थम रूल्स आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इनडेप्ड कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल मिलता तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका जीरो पॉइंट नाइन इंचीज यानी कि लगभग नौ इंची के आसपास का स्पेस आ गया उसके बाद जो है आपका दो फिट का जो यहाँ पर ये मिरर आ जाएगा फिर हाइट इसकी मेंशन है टू फिट फाइव इंचिस की, की यहाँ पे बॉटम से टॉप तक टू फिट फाइव इंच का स्पेस आ गया फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है काउंटर टॉप वॉश मेशन आ गया ठीक है एंड नीचे से अगर हम बात करें मिरर तक का पूरा कंप्लीट जो है वो एट फिट का जो है वो रहेगा एंड uh, मतलब सारी डिटेलिंग आप देख सकते हैं आराम से आपको इसमें दिख जाएगी एंड uh, मतलब सारी डिटेलिंग आप देख सकते हैं आराम से आपको इसमें दिख जाएगी फिर अगेन आपका दोनों मीर के बीच का जो गैप है ट्वेंटी इंचिस का गैप आ गया साइट एज पर सिलेक्शन अब मिररर और वाल के बीच में सिक्स इंचिस का गैप इधर से सिक्स इंचिस का गैप इधर से आ गया ठीक है फिर इसके बीच में स्टोरेज आ गया अब देखिए पता क्या है क्लाइंट ने इसमें कहेंगे इनको डिटेलिंग तो चाहिए थी इन्होंने थ्री हमसे लिया नहीं तो देखिए आप ऐसी जो है वो मिस्टेक ना करिए देखिए अगर आप क्या हालांकि देखो दोनों चीज़ों का अपना एक काम होता है अब देखिए इसमें डिटेलिंग तो पता चल गई अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन लाइटिंग्स और टाइल्स किस तरीके से आएंगे मिरर किस तरीके से दिखेंगे स्टोरेज किस तरह दिखेगी तो वो कहीं ना कहीं ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप डिजाइनिंग करवा रहे हैं तो प्रॉपरली करवाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपसे आपके लिए तो ये एक चीज आ गई ठीक है फिर उसके बाद आपकी जो जो टॉप पे जो ओपन होगा ये जो जो देख रहे हैं ड्रॉ तो ये आपका सिक्स इंचज़ का ड्रॉर हो गया फिर बीच में जो ये नाइन इंचज का ये पूरा ओपन रहेगा ठीक है फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आता है कि हवा में रहेगा तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग जो है दस इंच के आसपास ही हो गया ठीक है तो ये सारी डिटेलिंग आ गई पीछे जो है कोवलाइट आ जाएगी ये मिरर हो गया फिर ये वॉश वेशन हो गया एज पर सलेक्शन हो गया तो ये हो गया अब हम चलते हैं इसके दूसरे व्यू की तरफ तो अभी हमने दो व्यू तो डिस्कस कर लिया अब हम चलते हैं इसका जो ई वाला पोर्शन है ना वो और एफ को हम डिस्कस नहीं करते इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा बस खाली यही वाले सेक्शन के पॉइंट आ गए तो ये पॉइंट तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बात टप के जो भी पॉइंट्स होते हैं आप कंपनी के इंजीनियर को बुलाई आप उस उन किसी भी कंपनी की इतनी महंगी और प्रीमियम चीज ले रहे हैं तो उनके इंजीनियर आके आपको प्रॉपर गाइड करके जाएंगे ठीक है तो वेल अब हम चलते हैं देखिए इसके ई सेक्शन की तरफ तो ई सेक्शन में अगर हम बात करें तो ई e सेक्शन आ गया इधर तो ये सिंपली आपका डोर आ गया डोर के बाद ही गीजर के पॉइंट आ गए यहां पर ये गीजर आपकी हाइट आ गई गीजर की कि गीज़र जो है आपका कितनी हाइट पर लगेगा वैसे तो जनरली गीजर जो है आपका नीचे से अगर हम बात करें आ, फ्लोर से लगभग साढ़े सात से आठ फीट के बीच में जो है वो लगता है वो डिपेंड करता है कि गीज़र आपका कितना बड़ा है तो मतलब ये कि आपका सीलिंग से जो है गीज़र लगभग छः इंची से दस इंची के जो है वो नीचे होना चाहिए उसके बाद जितना भी पोर्शन बच रहा है गीज़र का वो नीचे की तरफ आना चाहिए तो ये हो गया ठीक है फिर अगर हम बात करें तो उसकी सारी डिटेलिंग आपको देखने की मिल जाएगी जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर दी है फिर ये आपका अगेन यहाँ पर ये बाट आ गया है टब की यहाँ पर हाइट आ गई है ढाई फिट की बात कर दी है फिर ये आपका अगेन यहाँ पर ये टब आ गया है फिर जैसे बाट टब देख रहे हैं तो बाट टब का जो हाइट है वो है ढाई फिट के आसपास और फिर टब के ऊपर जो एक फॉसेट निकला हुआ है वो छह अच्छा, इंच ना एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जिस साइड लेटेगा ना उस साइड जब वो नलका देना दूसरी साइड आपको नलका देना तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको कंसर्न करते हुए चलना चाहिए बाकी मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि बाट टप लगवाते हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी के इंजीनियर को बुलाइए आपको सारी चीज़ें वो गाइड करके जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी डिटेलिंग किस तरीके से चैलेंज आया था और किस तरीके से वर्किंग डिटेल इसकी बनी है वो सारी जो प्रॉब्लम है किस तरीके से हमने जो यहाँ पर सॉर्ट आउट करके दी और उम्मीद करते हैं कि डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो तो कोई भी क्वेश्चन आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों बहुत सारा छोटा छोटा इन्फॉर्मेटिव साइट का जो कि टिप्स रहती है वो मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली डालता रहता हूं तो वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हिंद मंदे माता